हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत सिंपल तरीके से ब्लाउज़ का आर्मोल जो है वो कैसे निकालना है मैं बताऊंगी। क्या हो जाता है, जैसे शोल्डर को पता चल जाता है, गले का भी पता चल जाता है, कटोरी कैसे बढ़ाते हैं ये भी हमें पता चल जाता है, लेकिन जो आर्मोल होता है वो कितना लेना है, चेस्ट के हिसाब से आर्मोल की चौड़ाई कितनी लेनी है, लंबाई कितनी लेनी है, ये समझ में नहीं आता। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगी। जैसे यहाँ पे हम लंबाई लेते हैं तो लंबाई निकालने का तरीका भी बताऊंगी और एकदम परफेक्ट आर्मोल निकलना चाहिए आपका उसके बारे में भी बताऊंगी। अब देखिए, छोटा नाप होगा तो आपको यहाँ पे इसकी लंबाई जो है वो यहाँ से यहाँ तक हम जो स्क्वायर बनाते हैं तो वो लेना है 5.5 इंच पे। जैसे 30 चेस्ट हो, 28 चेस्ट हो, 32 चेस्ट हो, उसके लिए आपको यहाँ पे चेस्ट का नाप जो है चेस्ट के हिसाब से आर्मोल जो है वो लेना है आपको 5.5 इंच पे। जैसे 34 इंच हो, 36 इंच हो, उसके लिए आपको 6.25 इंच पे आर्मोल रखना है। और उसके बाद यानी 38 इंच हो, 40 इंच हो, तो उसके लिए आपको आर्मोल लेना है 40x42 तक आपको आर्मोल लेना है 6 इंच, और उसके आगे 6.5 इंच। इसी तरीके से जैसे 7 इंच, 8 इंच, इतना आर्मोल तो नहीं निकलता, यहाँ तक आपको आर्मोल जो है वो लेना है। बहुत कम लोगों का 7 इंच निकलता है, बहुत कम, लेकिन 6.5 इंच तक हमारा 44 चेस्ट तक हो जाता है। बहुत कम लोगों का ये आर्मोल जो है वो 7 इंच लेना पड़ता है। उसके बाद जब भी हम आर्मोल की लंबाई निकालते हैं, जितने हमारा शोल्डर तो पता चल जाता है चेस्ट के हिसाब से कितना लेना है, लेकिन यहाँ पे आर्मोल जो है कोई कोई कैसे नापता है, ये देखिए, यहाँ पे आपको इस तरीके से ये गोलाई में यहाँ पे आपको इस तरीके से नापते हैं, फिर हमारे आर्मोल की ये चौड़ाई निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा आर्मोल जो है ये इतना आता है। उसके बाद यहाँ पे कभी कभी क्रॉस में आर्मोल लेते हैं, ये देखिए क्रॉस में आर्मोल लेते हैं। तो कभी कभी यहाँ पे बहुत तरीके हैं आर्मोल निकालने के, इस तरह से लेंगे तो यहाँ पे हमारा आर्मोल जो है ये 5.5 इंच पे, अभी 5.5 इंच पे आ रहा है, लेकिन सिलाई ये सिलाई में शोल्डर में चला गया है और यहाँ पे भी सिलाई में चला गया है, वैसे हमारा आर्मोल जो है वो 6 इंच निकलता है। उसके बाद मैं और एक सिंपल तरीका बताऊँगी। पहले जब भी आर्मोल निकालना हो तो आपको क्या करना है, ब्लाउज़ की पहले लंबाई निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे हमें ब्लाउज़ की लंबाई निकालनी है। ब्लाउज़ की लंबाई जो है वो आती है हमारी 13.5 इंच, तो 13.5 इंच लंबाई आती है तो इसमें हमें 1 इंच प्लस करना पड़ता है, यानी कि 14.5 इंच हमारी इसकी लंबाई लेनी पड़ती है। 14.5 इंच लंबाई लेनी है तो उसके बाद क्या करना है, 14.5 इंच लंबाई तो हमारी आती है। अब देखिए 1 इंच हमारा नीचे के साइड में बढ़ जाएगा, 1 इंच बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे जो फिटिंग की साइड है वो आपको चेक करनी है। फिटिंग के साइड में क्या करना है आपको, इस तरीके से यहाँ पे आपको जितना आपका सिलाई में जाता है उतना आपको छोड़ देना है, और यहाँ पे आपको जितना आपका सिलाई में जाएगा उतना आपको छोड़ देना है, यानी कि 8.5 इंच आपको यहाँ पर रखना है। थोड़ा सा इस साइड में, ऊपर के साइड में छोड़ देना है और थोड़ा इस साइड में छोड़ देना है। तो यहाँ पे हमारी जो फिटिंग की साइड होती है वो 8.5 इंच आती है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक नीचे जो हम कपड़े को रखेंगे तो 8.5 इंच पे मार्किंग करनी है। 8.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद ऊपर के साइड में जो भी 6 इंच हमारा रह जाता है, 6, 6.25 इंच, जो 6.25 इंच जितना भी हमारा रह जाता है उतना हमारा आर्मोल निकलता है। जैसे आपको इस साइड में आपको ध्यान में आया होगा कि यहाँ पे आपको इसकी फिटिंग देखनी है और ऊपर के साइड में छोड़ देना है थोड़ा इस साइड में, क्योंकि 1 इंच हमने इसमें प्लस किया है, तो यहाँ पे हमारा जो ऊपर के साइड में 6 इंच का आर्मोल जो है वो आराम से निकल जाता है। तो इस तरीके से भी आर्मोल की जो आर्मोल जो है उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2-3 तरीके से आर्मोल को कैसे नापना है ये मैंने आपको बताया है। आप चाहे तो इसको स्क्वायर में भी नापना है, लेकिन ये शोल्डर में सिलाई में जो चला गया है उसको भी आपको काउंट करना है, यहाँ पे सिलाई में चला गया है उसको भी आपको काउंट करना है, फिर उसके बाद हमारा आर्मोल निकलता है। तब देखिए यहाँ पे भी हमारा आर्मोल निकालने के बाद यहाँ पे यहाँ से नापोगे, जैसे पहले लंबाई नापनी है, लंबाई में 1 इंच लेना है, 1 इंच से हमें यहाँ तक इस जो हमारी फिटिंग की साइड आती है वहाँ तक आपको नापना है, यहाँ थोड़ा सिलाई में लेना है, इस साइड में लेना है, जितना हमारा 8.5 इंच आता है 8.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है, ऊपर का जो पार्ट रहता है वो हमारा आर्मोल निकलता है। इसी तरीके से भी आप आर्मोल निकालोगे
तो भी आपका आर्मोल जो है वो परफेक्ट आएगा और ब्लाउज भी आपका एकदम परफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से मैंने आर्मोल के बारे में कैसे आर्मोल कैसे निकालना है ये मैंने आपको बताया है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।